देखिए दोस्तों कितना क्रिस्पी डोसा है हमारा, आप देख सकते हैं आवाज़ सुनाई दे रही होगी। तो ऐसे ही क्रिस्पी डोसे बनाने के लिए आज मैं आपके लिए एक रेसिपी लेके आई हूँ। उस रेसिपी को एंड तक जरूर देखिए दोस्तों। इसमें मैंने कोन डोसा, मसाला डोसा और प्लेन डोसा तीनों डोसे की रेसिपी शेयर की है, और इसके साथ साथ मैंने ये भी बताया है कि आपके डोसे चिपकते क्यों हैं, प्लेन एकदम फ्लैट जिसमें लाइनिंग सी नहीं होती ना वैसा क्यों बनता है, और तीसरा कि ब्राउन क्यों नहीं होता। तो आप ये सब प्रॉब्लम को सोल्व करते हुए मैंने ये रेसिपी दी है, तो इस रेसिपी को आप जरूर देखिए और वीडियो को एंड तक देखिए। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों। एकदम साउथ इंडियन और क्रिस्पी डोसा बनाने के लिए मैंने यहाँ 3 कटोरी चावल लिए हैं। मैंने इस कटोरी के नाप से लिए हैं और आप किसी भी नाप से मेजर करके ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो चावल होता है हमारा, एक तो डोसा बनाने के लिए स्पेशल चावल आता है, वो मिल जाए तो बहुत अच्छा है। अगर वो नहीं मिलता है तो जिससे हम खिचड़ी या फिर खीर बनाते हैं वो चावल लीजिए दोस्तों। बासमती चावल यहाँ बिल्कुल मत लीजिए। उसके बाद लिए मैंने एक कटोरी, उसी कटोरी के नाप से मैंने एक कटोरी उड़द दाल ली है जो सफ़ेद दाल होती है, और इस चम्मच के नाप से मैंने 3 चम्मच चना दाल ली है, और इसी चम्मच के नाप से यहाँ ऊपर तक, पूरा ऊपर तक नहीं भरा है, यहाँ किनारे तक मैंने 1 चम्मच मेथी दाना लिया है। अब इनको हम अच्छे से धो के भिगो देंगे, और कैसा खमीर उठना चाहिए, कैसे हमारा डोसा सही बनना चाहिए बिना चिपके बिना चम्मच के साथ उठ के आए, ये सब प्रॉब्लम सोल्व करते हुए हम आज आपको डोसा बनाना सिखाएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें दोस्तों। देखिए दोस्तों मैंने इन सब चीजों को 2-3 बार धो के और अच्छे से पानी में भिगो दिया है। आप भिगोने के लिए थोड़ा सा बड़ा बर्तन ले ताकि ये फूले तो बाहर नहीं निकले, और इसे 4 से 5 घंटे तक अच्छे से भीगने दें, उसके बाद हम इन्हें पीस लेंगे। देखिए दोस्तों 5-6 घंटे हो गए हैं और हमारे दाल चावल सब भीग गए हैं। अब हम इनको मिक्सी के जार में पीस लेंगे। देखिए इसमें हम अभी पानी नहीं डालेंगे, पानी हम जितनी जरूरत होगी उसी हिसाब से बाद में डालेंगे। एक बार हम ऐसे ही पीस लेंगे इसको। देखिए दोस्तों मैंने इसको पीस लिया है, आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों पीसने के टाइम हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि एकदम हमें क्रीमी नहीं बनाना है। आप देख सकते हैं थोड़ा सा हल्का सा दरदरा जैसे स्क्रब होता है फेस पे करने वाला, वैसा है ये, एकदम क्रीमी फॉर्म में नहीं है, जिसको बिल्कुल ही स्मूथ पेस्ट बोलते हैं ना वो नहीं है ये। अब हम इसको किसी बर्तन में निकाल देंगे। बर्तन हमें बड़ा ही रखना है, बर्तन हमें बड़ा ही रखना है क्योंकि इसका फर्मेंटेशन होगा तो ये फूल के बहुत ज्यादा ऊपर आ जाएगा, इसलिए थोड़ा बड़ा बर्तन ले। बाकी बचे हुए को भी हम इसमें डाल के पीस लेंगे। देखिए दोस्तों अब मैंने दाल को जैसे पीसा तो ये एकदम थिक है, मैं दिखा दूं आपको, ये देखिए ज्यादा ही थिक है। अब हम इसमें थोड़ा पानी मिला देंगे, ज्यादा नहीं मिलाएंगे थोड़ा ही मिलाएंगे। बाकी मैं आपको पीस के इसकी कंसिस्टेंसी दिखा दूंगी एक बार। देखिए दोस्तों ऐसा ही पेस्ट हमें चाहिए डोसे के लिए, आप देख सकते हैं, और ये एकदम क्रीमी भी नहीं है, हल्का सा दरदरा है इसमें, हल्का सा बिल्कुल। इससे क्या होगा कि जो हमारा डोसा है वो तवे से चिपकेगा नहीं। एकदम अगर आप बिल्कुल ही स्मूथ पेस्ट बना देंगे बिल्कुल क्रीम की जैसे, तो उसमें डोसे के चिपकने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक। देखिए दोस्तों मैंने डोसे का बैटर पीस लिया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे, आपकी मर्जी है
नमक सुबह डालना चाहो तो सुबह डाल सकते हो, मतलब जब डोसा बनाओ तब भी डाल सकते हो, और अब डालना है तो अभी भी डाल सकते हो, लेकिन नमक से थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है। अब हम क्या करेंगे, इसको 10-12 घंटे के लिए या ओवरनाइट के लिए हम इसको फर्मेंटेशन होने के लिए छोड़ देंगे। तो अभी तो गर्मी है इसलिए मैं इसको किचन काउंटर पे ही छोड़ दूंगी। अगर सर्दी होगी तो आपको या तो कंबल से ढक के रखना पड़ेगा या फिर कपबोर्ड वगैरह में रखना पड़ेगा, तभी इसका फर्मेंटेशन होगा। तो अभी तो मैं इसको मिक्स करके नमक को और यहीं छोड़ दूंगी ढक के। मैंने नमक को मिक्स कर दिया है, अब हम इसको ढक के रख देंगे। देखिए दोस्तों, ओवरनाइट के बाद कितने अच्छे से फर्मेंटेशन हुआ है, आप देख सकते हैं इसके बबल। अब हम इसमें कड़छी या फिर विस्कर की सहायता से इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, अच्छे से करेंगे। अब ये क्योंकि देखिए आप, कंसिस्टेंसी इसकी बहुत ज्यादा थिक है, अगर इतना थिक आपका रहता है तो आप उसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। थोड़ा सा पानी डालेंगे हम, मैंने ये आधा कप पानी डाल दिया इसमें। अब आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। देखिए दोस्तों कितना अच्छा से मैंने उसको मिक्स कर लिया था, अब हमारा बैटर कितना अच्छा बना आप देख सकते हैं। इतना ही थिक होना चाहिए डोसे के लिए, ज़्यादा थिक होगा तो मोटा मोटा डोसा बनेगा, अगर आपको पतला बनाना है तो इतना ही रहना चाहिए, ठीक है। देखिए दोस्तों, हमारा डोसा का बैटर रेडी है, इस्त्री का बैटर चाहिए हमें। हम पैन को गर्म कर लेंगे और ये एक कटोरी में मैंने ऑयल लिया है लगाने के लिए इसकी साइड्स में, और एक कटोरी में साफ पानी लिया है जिसका यूज भी हम अभी करेंगे। जैसे ही हमारा पैन गर्म होगा, पैन हमारा गर्म हो गया है, अब हम इस पे डायरेक्ट डोसा नहीं डालेंगे। पहले हम क्या करेंगे, 2 से 3 ड्रॉप हम इस तरीके से ऑयल की डाल देंगे और साफ कपड़े से इसको पोंछ देंगे। कोई भी आप पुराना सूती कपड़ा ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस पे पानी के छींटे मारेंगे, किसी की टेम्परेचर इसका थोड़ा सा लो आ जाए, ठीक है। ये प्रोसेस भी करनी आपको बहुत जरूरी है जिससे कि आपका डोसा चिपके नहीं। अब हम इस पे बैटर डाल देंगे। मैंने 1.5 कड़छी के करीब डाल दिया। अब आप बीच में से ऐसे फैलाइए और बाहर की तरफ लेके जाइए, वापिस नहीं आना है, वापिस आओगे तो आपकी डोसा खराब हो जाएगा। देखिए अब जो ये बबल से दिख रहे हैं, ये अगर आप वापिस वापिस घुमा दोगे तो ये नहीं दिखेंगे और अच्छे से डोसा हमारा नहीं बनेगा। तो इसको एक ही तरफ घुमाइए जिससे कि अच्छे से बन जाए। जब हमारा डोसा थोड़ा थोड़ा पकना लगे तब साइड्स में थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल देंगे हम, पहले नहीं डालना है, जब पकने लगे मतलब पकने वाला हो जाए तब डालना है, ठीक है, ये बिल्कुल नहीं चिपकेगा। देखिए दोस्तों, डोसा हमारा, मैं आपको दिखा देती हूँ, ब्राउन होना शुरू हो गया है, आप देख सकते हो अच्छे से पक गया और ये साइड्स पे खुद ही छोड़ रहा है। देख लो आप, यहाँ से इस तरफ से देखिए, यहाँ से खुद ही उठ के आ रहा है। तो अब हम इसको उतार लेंगे, वो आपकी पसंद है, आप मोटा रखना चाहो पतला रखना चाहो आप अपने हिसाब से रख सकते हो। गरम है अभी, देखिए आप देख सकते हैं कितना क्रिस्पी बना है, अभी गरम है, उसे तो थोड़ा जा। तो अभी हम दूसरा डालेंगे, उसी तरीके से हम अब तेल नहीं लगाएंगे, सिर्फ पानी डालेंगे, पोंछ देंगे इसको, क्योंकि जो हमने पिछले डोसे पे लगाया था वो थोड़ा बहुत तेल है जो हमारे इस पे पैन पे लग गया है, अब हमें तेल लगाने की जरूरत नहीं है। फिर से उतना ही बैटर डालेंगे, बैटर का हिसाब भी आपको एक दो बार बनाओगे एक दो डोसे में आ जाएगा, आपको कम डालना है ज्यादा डालना है, बीच में से घुमाते हुए बाहर की तरफ घुमाते हुए चले जाएंगे इसी तरीके से पूरा। अब हम इसको थोड़ा पकने देंगे, उसके बाद थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा देंगे। गैस को आप मीडियम कर सकते हैं, थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा साइड्स में ऑयल लगा देंगे।
देखिए दोस्तों, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आपका पैन ठंडा है, मतलब आपका तवा या पैन जो भी है वो ठंडा है, तो जो ये देखिए आप, जो ये बबल से बन रहे हैं ये बिल्कुल नहीं बनेंगे, ऐसे चिपका चिपका बनेगा। ठीक है, तो वो तब बनता है जब पैन एकदम ठंडा हो। बहुत ज्यादा जब गर्म होगा तो बैटर क्या है, कड़छी के साथ ही चिपक के आ जाएगा, अच्छे से हमारा डोसा तवे से नहीं चिपकेगा, वो कड़छी से चिपक के आ जाएगा। तो इसलिए हमने पैन को बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं करना है। और तीसरी बात, अगर आप ऑयल डाल के सीधा बिना पानी के छींटे मारे डोसा डाल दोगे तब भी बैटर ऊपर उठ के आ जाएगा चम्मच के साथ, इसके साथ अच्छे से नहीं फैलेगा। तो आप इन बातों का ध्यान रखिए और आराम से डोसा बनाइए। कम ज्यादा मोटा पतला वो आपसे अपने आप बनता चला जाएगा जैसे जैसे आप बनाओगे, तो घबराइए मत, आराम से बनाइए। देखिए दोस्तों, इसको हम कोन का रूप देंगे, तो इसके सेंटर से यहां तक एक कट लगा देंगे, इस तरीके से इसको घुमा देंगे। अब ये बन गया कोन डोसा, जो बच्चे भी खुश होके खाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम सारे डोसे बनाते जाएंगे। देखिए आप कितना अच्छा बना है। मसाला डोसा बनाना हो तो देखिए दोस्तों, जैसे हमारा डोसा पक गया, अब इस पे आप थोड़ा सा आलू का मसाला डाल दीजिए और इस तरीके से इसको फोल्ड कर दीजिए। ये आपका इस तरीके से मसाला डोसा भी तैयार हो गया। देखिए दोस्तों, अगर आपको ज्यादा बड़ा बनाना है तो आप अपना पैन बड़ा ले लीजिए और इस तरीके से हमारे बहुत ही बड़े डोसे घर पे बन के तैयार हो जाएंगे। यहाँ मैं आपको एक ट्रिक और शेयर करना चाहती हूँ, अगर आपको बहुत ज्यादा ब्राउन डोसा चाहिए तो आप जब बैटर बनाते हैं तो उसमें एक चम्मच चीनी ऐड कर दीजिए, जिससे कि बहुत ही ब्राउननेस आ जाएगी डोसे के ऊपर। तो इस तरीके से आप जरूर डोसा ट्राई कीजिए और बताइए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों।